हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। बेटे कुछ एलिमेंट्री बेसिक फंक्शंस की हम पहले बात करेंगे। बेसिकली डोमेन होता क्या है पहले समझिए। डोमेन ड्राइंग एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, दैट इज नॉन एज डोमेन। और रेंज क्या होता है, वाई की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा फंक्शन का ग्राफ जा सकता है, दैट इज नॉन एज रेंज। बेसिकली हमारा ये मेथड होता है जो हमारा बेसिक आइडिया है। अब हम बात करते हैं डोमेन की, तो कुछ बातें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है। बेटा हम चाहते हैं कोई फंक्शन डिफाइंड हो जाए, डिफाइंड मीन्स उसे हम कुछ अच्छे से समझ सकें कहाँ होगा, रियलिटी में वो नहीं होगा। तो ऐसे के लिए बेटे कहीं पर भी अगर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है तो ये एफ एक्स कभी भी जो भी ये अंडर रूट के अंदर चीज़ है ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होना चाहिए। बेटा वन अपॉन में अगर अंडर रूट एफ एक्स है तो देखिए ये एफ एक्स जो है जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा जीरो, क्योंकि अगर देखो जीरो का अंडर रूट कितना होगा बेटा जीरो, और वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी बना देता है जिसकी वैल्यू कोई नहीं निकाल सकता। सिमिलरली आप इसमें देखें, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो गई तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव नंबर का अंडर रूट आयोटा देता है जो कि रियल नहीं है। आइए एफ एक्स की बात करें यहाँ पर, तो एफ एक्स किसी हालत में जीरो नहीं होगा क्योंकि वन अपॉन जीरो क्या बना देगा बेटा, इन्फिनिटी बना देगा। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि अगर अंडर रूट के अंदर एफ एक्स है तो वो एफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अगर वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स है तो एफ एक्स पक्का जीरो से बड़ा होना चाहिए, और अगर वन अपॉन एफ एक्स है तो एफ एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इन बातों का ध्यान में रख के बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटा जरा देखिएगा, पहला फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो डोमेन के बारे में बात करें, बेटा मेरा फंक्शन ये है बेटे, तो मैंने अभी बात करी आपसे कि एक्स माइनस वन पक्का जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो वन या वन से बड़ा। तो बेटा अगर आपको पता हो इक्वल टू का साइन आता है तो बेटा हम क्लोज इंटरवल लेते हैं, तो वन या वन से बड़ा तो वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, वन पर क्लोज है और इन्फिनिटी तो आप जानते हैं बेटा कोई पता नहीं होता कहाँ होती है, तो इसलिए ओपन लगाते हैं। अब हम रेंज के बारे में बात करें तो बेटा इसी चीज़ से हम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने देखो इसका उल्टा, चलिए अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो ये इधर गया, तो एक्स माइनस वन जीरो या जीरो से बड़ा है। अगर मैं बेटा मुझे तो चाहिए क्या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन चाहिए, बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन के लिए मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ बोथ साइड, तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा एक बात बताइए, जब मैं कोई नंबर लेता हूँ जीरो या जीरो से बड़ा तो उसका अंडर रूट भी तो जीरो 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 से बड़ा ही होगा, तो यानी ये चीज़ तो मेरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स क्या हो गया बेटा जीरो या जीरो से बड़ा। तो रेंज मेरी जो हुई बेटा वो क्या हुई, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, जीरो क्लोज एंड इन्फिनिटी ओपन। आइए सर एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ एफ एक्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस फाइव। बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो x माइनस फाइव अब की बार जीरो के इक्वल भी नहीं होगा, जीरो से बड़ा ही होगा, तो x बड़ा है फाइव से, तो मैं अगर डोमेन कहूँ फाइव से लेकर इन्फिनिटी तक तो ये दोनों ही ओपन होंगे। सिमिलरली अगर हम इसी से बेटा ये बात करें, तो अभी मैंने बोला x माइनस फाइव पक्का जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा है। बेटा मुझे अंडर रूट ऑफ x माइनस फाइव चाहिए था, तो मैंने अंडर रूट ऑफ x माइनस फाइव बोथ साइड कर लिया, तो अंडर रूट ऑफ x माइनस जैसे ही लिया तो अंडर रूट ऑफ x माइनस फाइव बड़ा है जीरो से, क्योंकि मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए था तो मैंने इसको वन अपॉन भी कर दिया, तो वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस फाइव भी जीरो से बड़ा होगा बेटा। क्योंकि देखो कोई भी, यही मेन पॉइंट है कि कोई भी नंबर अगर जीरो से बड़ा है तो उसका स्केयर रूट भी उसका जीरो से बड़ा होगा और उसका रेसिप्रोकल भी जीरो से बड़ा होगा, तो एफ एक्स किससे बड़ा होगा बेटा जीरो से, तो आंसर क्या आया जीरो से लेकर इन्फिनिटी था। तो ये मेरा पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम इसमें स्टार्ट कर रहे थे। अब बेटा इसका एक क्वेश्चन और लेंगे, उससे आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इजकल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्केयर। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ फंक्शन को तो 16 माइनस एक्स स्केयर जीरो या जीरो से बड़ा होगा। बेटा जब भी हम कोई भी हमारी इक्वेशन होगी तो उसमें हाईएस्ट पावर पॉजिटिव होनी ही चाहिए, तो आपने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर माइनस 16। जैसे आप जानते हैं कि ग्रेटर देन हमारा किस में हो जाएगा, लेसर देन में, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। बेटा फैक्टर बनाइए, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है। बेटा आप जरा देखिए, हम इसका वेवीकरण मेथड लगाते हैं। बेटा यहाँ देखिए, अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू 4 आती, इसको जीरो रखते हैं तो माइनस 4 आती, तो ये माइनस 4 और ये 4, क्योंकि इक्वल टू भी है तो हमें ना डार्क सर्कल लगाएंगे, ये लगा दिया जाए मैंने डार्क सर्कल। अब बेटी बात समझने की कोशिश करें तो बेटा मेरी यहाँ पर आ रही है, हमेशा वेवीकरण मेथड में पीछे से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल है तो हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला इंटरवल। अगर ये ग्रेटर देन का सिंबल होता तो बेटा हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव वाला इंटरवल। तो अब मैं कौन सा लूँगा बेटा, नेगेटिव वाला इंटरवल, तो माइनस फोर से लेकर फोर तक, और ये क्लोज होंगे दोनों, समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ये डार्क सर्कल है बेटा, क्योंकि इक्वल टू भी है। आइए सर अब इसी बात को चलें, तो डोमेन मेरे को पक्का पता चल गया कि माइनस फोर से लेकर फोर है, तो उसकी रेंज कैसे करेंगे। बेटा एक्स की वैल्यू मैंने अभी बोली माइनस फोर या फोर के से इक्वल भी हो सकती है और
इनके बीच में रहेगी। अब मैं स्केयरिंग बोथ साइड, ये मेन पॉइंट है बेटा। बेटा जब हम किसी का स्केयर करते हैं तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू जीरो होती है, तो ये मेन पॉइंट ध्यान से देखिएगा इसे कैसे हम एडजस्ट करते हैं। जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये माइनस फोर का स्केयर 16, ये 16, ऐसा कैसे होगा सर, एक्स स्केयर 16 से 16 जाएगा। बेटे कोई भी मिनिमम स्केयर होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो हमने क्या लिया बेटा जब हम इसका स्केयरिंग बोथ कर रहे हैं, तो जीरो इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्केयर इज लेस देन और इक्वल टू 16, परंतु मुझे माइनस एक्स स्केयर चाहिए, तो मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस एक्स स्केयर जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। हमने 16 ऐड किया तो बेटा 16 माइनस एक्स स्केयर यहाँ पर जीरो बन जाएगा। अब आइए बेटा हम अनरूट लेते हैं, तो ये बेटा 4 बन जाएगा, ये अनरूट 16 माइनस एक्स स्केयर जी जीरो, यानी यही तो मेरा fx है। तो fx की वैल्यू जीरो से लेकर या जीरो से बड़ी है और 4 या 4 से छोटी है, तो मेरा रेंज क्या हुई, जीरो या जीरो से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, और दोनों के इसका मतलब क्लोज इंटरवल। बेटा इसका मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है, अगर मैं इस y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू अनरूट 16 माइनस एक्स स्केयर है, मैंने इसको y लिया है बेटा fx को, स्केयरिंग बोथ साइड किया तो y स्केयर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केयर, ये इधर मैं लिया है तो एक्स स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 16। बेटा हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे, तो अगर आप x की वैल्यू जीरो डालते हैं तो y की वैल्यू प्लस माइनस 4, बट मैं 4 ही लूंगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट से जो वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो मैंने क्या लिया बेटा 4 लिया। जबकि मैं यहाँ पर देखो y को जीरो डालता हूँ तो x तो हमारा जा सकता है बेटा माइनस 4 और 4, तो मैंने x की वैल्यू क्या ली बेटा माइनस 4 से लेकर 4 लिया बेटा। अब जरा देखिए मेरा x तो कहाँ से कहाँ तक गया बेटा, माइनस 4 से 4 है ड्राइंग, और हाइट मेरी कहाँ से कहाँ तक गई है, जीरो से लेकर 4 तक, तो रेंज मेरी 0 टू 4। ये मेरा हम शॉर्टकट बेटा हम लगा सकते हैं जब हमें